Hello everyone, in this chapter we'll study about the Morley-Minto reforms. तो जैसे कि हमने last lecture में देखा था कि 1906 में मुस्लिम लीग का formation हो जाता है और इसके बाद ये लोग continuous demand करते हैं एक separate electorate की. तो ये बात ब्रिटिशर्स को भी अच्छी लगती है क्योंकि ये एक conflict का reason बन जाता है हिंदू और मुस्लिम एकता में. तो इसलिए Morley-Minto reforms जो आता है वो इसी बेसिस पे आता है. सो स्टार्ट करते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन जो होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं लॉर्ड मिंटो एज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया और इनको इनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं जॉन मॉर्ले. ठीक है, तो मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी हैं और मिंटो जो है वो वॉइसरॉय हैं और Morley-Minto रिफॉर्म जो आता है वो इन्हीं दोनों लोगों से रिलेटेड है और ये आता है 1909 में. तो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पास किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं या फिर Morley-Minto रिफॉर्म कहते हैं 1909 में. इसमें ये कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंडर एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाएगा और इस सिस्टम में ये होगा कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं काउंसिल के उनको इलेक्ट एक जनरल इलेक्टोरेट द्वारा नहीं किया जाएगा बट मुस्लिम वोटर्स के ही द्वारा किया जाएगा. तो मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी उस वक्त अपने आप को एक माइनॉरिटी स्टेटस में घोषित करती है और ये कहती है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं उनका चुनाव मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही किया जाएगा और कोई वोटर जो है और किसी धर्म का वोटर जो है वो एक मुस्लिम लीडर को वोट नहीं दे सकता और इस तरह से मुस्लिम लीडर की सीट फिक्स हो जाती है और इनको वोट देने वाले लोग जो होते हैं वो सिर्फ मुस्लिम होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मुस्लिम नेता होगा ये अपने मुस्लिम भाइयों से ही वादा करेगा कि हम चुनाव जीतेंगे तो आपके लिए ये करेंगे, चुनाव जीतेंगे तो ऐसी मतलब जितने भी वादे होंगे वो अपने मुस्लिम वोटर्स से ही करेगा. ये कंसीडर ही नहीं करेगा कि इसमें अलग धर्म के यानी हिंदू क्रिश्चियन या अलग सिख एक्सेट्रा ये भी वोटर कंसीडर नहीं करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका तो मेन मोटिव यही होगा कि एक मुस्लिम वोटर इनको मिल जाए और बाकी धर्म से इनको कोई मतलब ही नहीं रहेगा. तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का ये डिसएडवांटेज था जिसको एडवांटेज समझ रहे थे ब्रिटिश लोग. तो ब्रिटिशर्स को ये एक फ़ायदा लग रहा था कि अगर एक मुस्लिम जो है वो मुस्लिम पे ही ध्यान देगा तो हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट या बाकी धर्मों के साथ इनके कन्फ्लिक्ट जो है वो बने रहेंगे. ठीक है, तो ये सिस्टम होता है. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द मुस्लिम कैंडिडेट इन टू द काउंसिल विल नॉट इलेक्टेड बाय द जनरल इलेक्टोरल बट वर इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली. ठीक है, दिस सिस्टम एक्सेप्टेड मुस्लिम्स एज सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया. अब इससे ये हो गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया बन गए और इसके वजह से कई प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया. ठीक है, तो एक ये जो एक Morley-Minto रिफॉर्म आता है ये गांधी जी का कहना है कि इसने हम सभी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि यहीं से एक बीज शुरू होता है जो हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और आगे जाके ये पूरा पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है. सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज Morley-Minto रिफॉर्म बिल कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 1909 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार मुस्लिम लोगों का सेपरेट इलेक्टोरेट के फॉर्म में देखा गया, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट, और ये था Morley-Minto रिफॉर्म 1909. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वॉज प्रोवाइडेड फॉर, तो इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया था 1909. Morley-Minto रिफॉर्म ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया था मुस्लिम जो भी वोटर्स थे, मुस्लिम जो मेंबर्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीट्स ऑफ डिस्कार्ड वर इन विच इवेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एंड विच इवेंचुअली डिवाइडेड द कंट्री वॉज. तो जो बीज बोया गया था
जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता के एकता को ख़त्म कर दिया और एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया। वो स्टार्ट हुआ था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे ये जो मौले मिंटो सुधार आया था, इसने बेसिकली सुधार कम किया था और ख़राब चीज़ें ज़्यादा कर दी थी, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो था वो स्टार्ट हो गया था। नाउ यहाँ पे और ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना होती है 1906 में, तो ये बेसिकली शुरुआत ये नहीं थी कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता ख़त्म हो गई है। मुस्लिम लोग आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ये बात सही है, और इसलिए इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता पे कोई असर नहीं पड़ा था। बट इन्होंने जब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी तो ये जो दूरियां थी ये और ज़्यादा गहराती गई। दूसरा, डिवीज़न ऑफ बंगाल ने एकता पैदा कर दिया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिवीज़न ऑफ बंगाल की वजह से हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ गई थी उस समय पर, और इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी उत्सव मनाने के लिए कहा था, तो उस वक्त हिंदू और मुस्लिम की एकता जो थी वो बढ़ गई थी। खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड बाय गांधी जी, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम एकता में बढ़ोतरी देखी गई थी जब खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया गांधी जी ने, और मुस्लिम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी एक्सेप्ट किया इंडिया में। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट इन फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज फादर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे फादर ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसको माना गया कि ये फादर ऑफ पाकिस्तान है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखने से लगेगा मोहम्मद जिन्ना हो सकते हैं, या मे बी लियाकत अली हो सकते हैं, या लॉर्ड माउंटबेटन हो सकते हैं, जिन्होंने पार्टीशन किया था इंडिया और पाकिस्तान का। बट द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने सबसे सो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा ये चैप्टर मौले मिंटो रिफॉर्म 1909, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली दरबार और चेंज ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया जाता है दिल्ली दरबार में, और कैपिटल को चेंज कर दिया जाता है फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।